हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये थलपोस का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। देखिए हमने मैरून और वाइट कलर में बनाया हुआ है। ये पूरा 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 मेरा ये 8 कलियों बना हुआ है। तो ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 60 ग्राम उलन लगा है, यानी 60 ग्राम उलन लगा है। तो डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगा के यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे। फर्स्ट उन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद से 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 1 1 2 3 4 5। तो हम ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने राउंड में पूरा 16 इसमें बना लिया डबल क्रोशिया, यानी 16 बना लिए। फर्स्ट वन में लेके हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और उसके बगल में ऐसे आके अब यहाँ पर भी हमें बनाना है। 1 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे, सेम जगह पे ही एक और डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे। देखिए 1 1 2 हो गया, फंदे लेंगे। फिर उसके दूसरे वाले में भी हम एक और फिर बनाएंगे, एक 1 1 2 फिर फंदे लेंगे, फिर 1 1 1 2 ऐसे। एक पास दो दो डबल क्रोशिया हमें बनाना है, एक और एक बना लेंगे सेम जगह पे, दो। फिर उसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही पूरे में हम जितना ये 16 बनाए हैं, 16 के ऊपर ये 32 बनना चाहिए, यानी ये 16 है, 16 के ऊपर 32 ये हमारा ये बनना चाहिए। तो हम बना ले रहे हैं। तो देखिए हमने बनाते हुए राउंड में पूरा 32 यानी 32 पूरा पूरा बना लिया है। फिर फर्स्ट वन में लिए कि हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे। को खींचेंगे और बैक साइड ही लगा लेंगे हम। इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे। यहाँ पर नॉट लगाएंगे, कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे, बांध के और 1 2 3 4 4 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे हम। अब यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके बगल वाले में यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन करेंगे। देखिए यहाँ पर दो डबल क्रोशिया के लिए और 2 चेन एक्स्ट्रा किए हम, फंदे लेंगे, फिर ये एक छोड़ेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन, फिर यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाएंगे हम, फिर 2 चेन, 2 चेन करना है और 1 स्किप करके 1 में बनाना है हमें डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन, 1 स्किप करेंगे, 1 में बनाएंगे, फिर 2 चेन, 1 स्किप करके 1 में बनाएंगे, फिर 2 चेन। तो ऐसे बनाते हुए हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने ऐसे राउंड कंप्लीट किया। फिर 2 चेन करेंगे, यहाँ पर 2 चेन करके जो पहला बनाए हैं उसमें 2 चेन छोड़ के यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए ये पूरा हमारा 16 बना है, यानी 16 ये बना है। यहाँ 32 था ये डबल क्रोशिया, तो दो दो देखिए छोटे छोटे ऐसे बनाए हैं, एक जगह बनाए एक जगह छोड़े हैं, तो ऐसे पूरा। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 4 टाइम ऐसे धागे को खींच रहे हैं। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और जो ये है इस पर एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे।
देखिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे और फिर यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये पूरा छोड़ के इस तरह से, इसके ऊपर हमें कुछ नहीं बनाना है, इस चेन के सामने चेन रखना है। फिर यहाँ पर दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे, ये चेन है इस पर फिर हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांध लेंगे। फिर यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे और ये जो है इसके ऊपर फिर से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर उसके बाद से एक दो दो चेन करेंगे और फिर यहाँ हम कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इस पे हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए हम एक जगह पफ बना रहे हैं, एक जगह केवल ये चेन करके ये छोड़ दे रहे हैं, चेन के ऊपर चेन, फिर एक जगह पफ, फिर यहाँ पर चेन, फिर ऐसे ही दो चेन करेंगे और फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे चार, फिर यहाँ से ऐसे निकालेंगे, फिर दो चेन करेंगे और फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे हम ऐसे, फिर दो चेन करेंगे, फिर यहाँ पफ बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे, फिर इस पर बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे। देखिए हर एक के बगल में दो दो चेन करना है, दो चेन करके पफ बनाएंगे और फिर दो चेन करेंगे तब जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन करेंगे तो इसके ऊपर चेन के ऊपर चेन बनेगा, फिर डबल क्रोशिया बनेगा, फिर दो चेन करके पफ बनाएंगे, फिर दो चेन करके करेंगे, दो दो चेन करते जाना है हमें और ऐसे बनाने हैं हमें। देखिए एक में पफ बना रहे, एक में ऐसे चेन कर रहे हैं, एक में पफ बना रहे हैं, एक में चेन कर रहे हैं, तो ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे राउंड में कंप्लीट किया बना के, पूरा पफ मेरा एट जगह इसमें हुआ है और एट जगह ये चेन चेन वाला हुआ है। देखिए उसके बाद दो चेन कर लिए, फिर फर्स्ट वन में लेके दो चेन इसमें छोड़ के यहाँ पर लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर सेम चीज़ें बनाना हमें, एक दो तीन चार, फोर चेन करेंगे, फिर इसमें जैसे बनाए यहाँ पर सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाना है, एक दो तीन चार, फोर टाइम, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर यहाँ पर एक दो दो चेन करेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इस पफ के इस साइड एक और पफ बना लेंगे जैसे बनाए हैं, एक दो तीन चार, फिर ऐसे बांध लेंगे, फिर दो चेन करेंगे और फिर ये इसके सामने जो ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके सामने डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चेन करेंगे, फिर इस चेन के सामने ये चेन रहेगा और फिर इस पे डबल क्रोशिया बना लेंगे डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे जैसे इधर बनाए सेम ऐसे यहाँ पर इस पफ के बगल में यहाँ पर पफ बनेगा, एक दो तीन चार, इस पफ के इस साइड बना लिए, फिर दो चेन करेंगे इस पफ के ऊपर और फिर फंदे लेके फिर यहाँ पर एक पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर दो चेन, फिर इस चेन ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर इस चेन के सामने चेन, दो चेन करेंगे ऐसे और उसके बाद फिर दो चेन, फिर सेम ऐसे इस पफ के इस साइड एक पफ बनेगा, इस साइड एक पफ बनेगा, बीच में इसके सामने दो चेन बनेगा जैसे यहाँ बना, सेम ऐसे ही बनेगा और इसके सामने फिर से ये डबल क्रोशिया जैसे बन रहा है ऐसे बनेगा, चेन के ऊपर चेन ऐसे दो दो बनते जाएगा, ऐसे बना के ये कंप्लीट करेंगी। उसके बाद फिर आएंगे तो सेम चीज़ें फिर बनेगा, यहाँ पर भी जैसे बनाए ये दो बनाए, अब इधर फिर हम इधर एक बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, तो तीन बन जाएगा, बढ़ते क्रम में बढ़ेगा ये, तो ऐसे ही और हम बना ले रहे हैं। इसके ऊपर ऐसे ही चेन के ऊपर चेन बनेगा, इसके ऊपर डबल क्रोशिया, दो दो चेन ही करना है हर एक के बगल में और बना के तब दिखा रहे हैं हम। ऐसे बनाते हुए देखिए बढ़ते क्रम में फोर ऐसे पफ तक बना लिए हैं, बीच में दो दो चेन ऐसे बनाया है पूरे में, देखिए अब उसके बाद से दो चेन करके ये फर्स्ट जो है इसमें फिर से हम दो चेन छोड़ के यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक दो तीन चार पाँच फाइव चेन करेंगे, फाइव चेन करके अब यहाँ पर हमें नहीं बनाना है, अब घटते क्रम में बनाना है, तो यहाँ पर अब बनाएंगे हम ऐसे, एक दो तीन चार ऐसे बांध लेंगे, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे,
फिर एक दो, दो चेन, फिर यहाँ पर एक और बना लेंगे, एक दो तीन चार, देखिए तो यहाँ पर तीन बना लिए हैं। जैसे यहाँ पर फाइव चेन बनाए तो अब यहाँ पर हम ऐसे एक दो, दो चेन करेंगे, फंदे लेंगे और इसके बीच में हम ऐसे एक डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक दो तीन, थ्री चेन करेंगे, फंदे लेंगे, सेम जगह पर फिर से एक और हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए दो चेन करके यहाँ पर डबल क्रोशिया और फिर तीन चेन कर लिए, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो चेन ऐसे बनाएंगे। अब उसके बाद से फिर हम जैसे यहाँ बनाए सेम ऐसे ये पहला छोड़ देंगे, यहाँ से बनाएंगे मिडिल में हम, एक दो तीन चार, फिर ऐसे निकालेंगे ये बांधेंगे, फिर दो चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार ऐसे, तो फिर तीन बना लिए। फिर यहाँ पर दो चेन करेंगे, जैसे यहाँ पर बनाए सेम ऐसे बनाना है, दो चेन करके और डायरेक्ट इसके बीच में हमें बनाना है एक डबल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चेन, फिर सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया, फिर दो चेन और फिर हम इसमें बीच में बनाएंगे, तीन जगह हम पफ बना लेंगे, फिर दो चेन करेंगे, डायरेक्ट इसमें बनाएंगे सेम जैसा बनाए हैं। तो ऐसे बनाते बनाते राउंड कंप्लीट करते हैं। हमने ये चारों तरफ से बना कंप्लीट किया, फिर फर्स्ट में जो ये चेन बनाए हैं ऐसे बना के इस चेन में हम लेके ऐसे जॉइंट कर देंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन करेंगे, फिर फंदे लेंगे और फिर ये दोनों के बीच में हमें बनाना है पफ। यहाँ पर अब दो पफ बनेगा, यहाँ तीन पफ था, अब यहाँ पर दो पफ बनेगा, एक एक दो तीन चार ऐसे निकालेंगे बांधेंगे, फिर एक दो चेन, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, फिर ऐसे निकालेंगे बांधेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पर एक दो चेन, दो चेन बनने के बाद से फंदे लेंगे और फिर जो ये है इसमें हमें बनाना है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, हम इसमें 12 डबल क्रोशिया बना रहे हैं पूरा पूरा। देखिए उसके बाद टू चेन करेंगे, अब फिर यहाँ पर बनाएंगे पफ हम, एक दो तीन चार, देखिए इसमें हम 12 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएं और इधर दो चेन, फिर टू चेन करके फिर पफ के बीच में पफ, जैसे ये दो बनाए हैं वैसा बनाना है हमें, फिर टू चेन करेंगे, फिर यहाँ पर एक दो तीन चार, देखिए अब यहाँ पर ये निकाल के ये बांध देंगे ऐसे, फिर उसके बाद एक दो, दो चेन करेंगे, फिर ये बीच वाला जो है इसमें फिर हमें 12 डबल क्रोशिया बना लेना है पूरा पूरा, जैसे ये बनाएं और फिर टू चेन करेंगे, फिर इसके ऊपर बनाएंगे, तो ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे राउंड कंप्लीट किया। अब इसमें देखिए यहाँ तक ये पहला स्टार्ट किया है, यहाँ पर इसमें 11 यानी 11 बना लिया है डबल क्रोशिया और इसमें का ये दो छोड़ के हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, तो इसको लेके हमारा 12 हो गया यहाँ डबल क्रोशिया ऐसे। फिर यहाँ पर हम एक दो तीन चार पाँच, फिर फाइव चेन करेंगे और फिर इसमें हम एक पफ बना लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार, घटते क्रम में बन रहा, तो देखिए फोर से थ्री हुआ, थ्री से टू, टू से वन यहाँ पर। उसके बाद फिर इधर हम टू चेन करेंगे,
टू चेन करके आप ये जो बनाए हैं डबल क्रोशे, इसके बीच बीच में बनाना है ऐसे बांध के, ऐसे एक यहाँ बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर उसके बगल में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे, फिर उसके बगल में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे। जितना ये 12 बनाए हैं सबके बीच बीच में ऐसे हमें बनाना है पूरा पूरा, एक चेन एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाते जाना है पूरे में। देखिए जितना है पूरे में हम ऐसे बना लेंगे, फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। देखिए तो पूरा मेरा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 के बीच बीच में बना है, 11 बना है यहाँ पर डबल क्रोशिया पूरा। फिर दो चेन ऐसे करेंगे और ये दो पफ है उसके बीच में हमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बना लेना है। फिर दो चेन, फिर सेम चीज़ हमें बनाना है इसके पीछे, 11 बनेगा हमारा इसमें भी डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, ऐसे बनाते हुए हम पूरे राउंड में बना के कंप्लीट करते हैं। तो हमने ऐसे चारों तरफ से ये बना लिया। अब यहाँ पर हम देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक 10 बना लिए हैं। अब इसमें हम अगर बनाते हैं तो 11 बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं बनाना, ये पहले ही चेन किए हैं, इसमें हम लेके ऐसे जॉइंट कर देंगे तो 11 हो जाएगा। देखिए और इसे हम बांध के यहाँ पर कट कर लेंगे और इसे हम बैक साइड लगा लेते हैं। तो देखिए अब ये ऐसे ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से जो मिडिल का कलर है वो यहाँ पर अब बनाएंगे। तो देखिए ये पफ है, जो इस पफ के हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बांधेंगे और यहाँ पर धागे को खींच के हम पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे लेंगे, फिर इसके बगल में जो है पफ के बगल में जो चेन है यहाँ पर भी 1 2 3 4 ऐसे। अब इसमें से हम ऐसे पूरा पूरा ऐसे निकाल लेंगे, ये बांध लेंगे देखिए ऐसे। उसके बाद यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, फंदे लेंगे और जो ये एक एक चेन का बनाए हैं उसमें अब हमें पफ बनाना है। तो ऐसे 1 2 3 4 फिर ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक चेन करेंगे, देखिए इधर यहाँ से यहाँ 2 चेन किए, इसके बीच में हमें एक एक चेन करना है। फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे, यहाँ पर बना लिए, अब यहाँ पर 1 2 3 4 फिर ऐसे, फिर एक चेन, फिर इसके बगल में बनाएंगे। जितना ये एक एक चेन का है सब में यहाँ तक पहले बना ले रहे हैं हम ऐसे। तो देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे बना लिया पफ। फिर उसके बाद से जैसे यहाँ पर बनाए सेम ऐसा बनाना है इधर, तो पहले 2 चेन करेंगे ऐसे, 2 चेन करके उसके बाद से हम फिर इसमें हम बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 फिर ये ऊपर ही रखेंगे और फिर ये दूसरे साइड जो चेन है इसमें फिर बनाएंगे 1 2 3 4 देखिए। अब पूरा एक में से ऐसे निकाल लेंगे फिर ये बांध देंगे, देखिए सेम ऐसा हो गया ना। अब उसके बाद से फिर 2 चेन करेंगे हम और फिर सेम चीज़ें जो बनाए हैं इसमें फिर बनाएंगे। देखिए यहाँ बना लिए तो इसके बगल में यहाँ पर अब इसमें सब बनेगा ऐसे 1 2 3 4 बांधेंगे, फिर एक चेन, फिर यहाँ पर 1 2 ऐसे 4-4 बनाएंगे और एक से दूसरे जाने के बीच में एक एक चेन करना है हमें, ऐसे बनाना है। और यहाँ पर जो बनाएंगे इसके सामने इसके अगल बगल
तो यहाँ पर देखिए, एक पास ये दोनों पफ को हमें एक पास ऐसे निकाल लेना है और दो चेन करना है, यहाँ से यहाँ जाने में दो चेन, इधर से फिर ये बनाने के पास ही दो चेन। तो ऐसे पूरे पर बना के हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे राउंड में बना लिया पूरा पूरा। अब उसके बाद फिर दो चेन देखिए कर लिए यहाँ पे, और पहला जो स्टार्ट किए हैं उसमें लेके ऐसे हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 5 चेन करेंगे। हम यहाँ पर पफ वाला फ्लावर बना रहे हैं, आप लोगों को चाहिए तो चेन स्टिच करके वाइट कलर से झालर लगा सकते हैं आप लोग। हम यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 और एक टाइम ऐसे 5, फिर इसे ऐसे निकाल लेंगे, ये बांध लेंगे इस चेन को, इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन। अब यहाँ से चालू किए हम, तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इसके बगल में यहाँ पर बनाएंगे ऐसे। तो फिर से 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन। 5 चेन करने के बाद से फिर हम धागे को ऐसे खींचेंगे, फिर हम ऐसे पफ बना लेंगे 1 1 2 3 4 5। फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, ये बांधेंगे, फिर इस चेन को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा के ऐसे बांध लेंगे। देखिए फिर 1 1 2 3 4 5 5 चेन। फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, एक जगह छोड़ेंगे एक जगह बनाएंगे ऐसे। देखिए फिर 1 2 3 4 5 फिर 5 चेन करेंगे, फिर पफ बनाएंगे, फिर यहाँ नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे। तो ऐसे करते हुए हम पूरे चारों तरफ से बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मेरा थाल पोस्ट डिजाइन बन के तैयार है। ये डिजाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ये डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। थैंक यू।